Assalamu alaikum students, I'm the teacher of Supreme Education School System. I hope all of you are fine at home. You know, virus is spreading all over the world. So please students, stay home, stay safe and keep clean yourself and enjoy the good health. So students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग होने वाला है. इस टॉपिक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मज़ीद अब इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे कि इस टॉपिक में और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम उसके बारे में जान सकते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4, प्लांट्स के बारे में, जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं. प्लांट किस तरह से लिविंग थिंग्स होती हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अब प्लांट्स के बारे में और मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे. तो ओपन योर रीडिंग बुक पेज नंबर 28. हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और रीडिंग में हमें क्या कहते हैं प्लांट्स के बारे में. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्लांट्स के बारे में बता दूं कि प्लांट जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं, और वो लिविंग थिंग्स इसलिए होती हैं क्योंकि प्लांट ग्रो करते हैं, उनको वाटर की ज़रूरत होती है, उनको सॉइल की ज़रूरत होती है और उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है. इसलिए प्लांट जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं. प्लांट्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, जिनके ज़रिए इंसान अपनी खुराक को पूरा कर सकता है. इसी तरह अगर ये पैराग्राफ की रीडिंग करें तो उसमें हमें कुछ मज़ीद मालूम उन्होंने हमें प्लांट्स के बारे में बताई है कि प्लांट्स हमारे किस तरह से काम आ सकते हैं. प्लांट गिव अस फूड, प्लांट हमें खुराक देते हैं, पौधे हमें खुराक देते हैं. सम फ्रूट्स, कुछ फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां फ्रॉम डिफरेंट प्लांट जो कि हमें मुख्तलिफ किस्म के पौधों से हासिल होती हैं, आर ईटन बाय ह्यूमंस, जो कि इंसान खाते हैं एंड एनिमल्स और जानवर खाते हैं. इन्होंने कहा है कि प्लांट जो है हमें खुराक देते हैं, प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं एंड वेजिटेबल्स देते हैं, मीन्स के सब्जियाँ देते हैं और फल देते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के पौधों से हासिल होती है और इसे इंसान और जानवर दोनों खाते हैं. और नेक्स्ट लाइन है, वी ऑल्सो यूज प्लांट्स टू प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर. शेड एंड शेल्टर मीन्स साया, या फिर जिसे कह लें नरम घास, या फिर दरख्त के नीचे के साए को कहते हैं शेड एंड शेल्टर. जो प्लांट्स हैं वो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमें साया मुहैया कर सकें. प्लांट्स के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमें पेज नंबर 29 पे भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसका पॉइंट है प्लांट्स का वो हमें बताया गया है. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 29. सबसे ऊपर देखें, द वुड वी गेट फ्रॉम ट्रीज इज़ यूज टू मेक मैनी यूजफुल थिंग. उन्होंने कहा है जो हम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं अपने फर्नीचर में, जो लकड़ी इस्तेमाल होती है, आप देख रहे हैं बेड बना हुआ है, चेयर्स बनी हुई हैं, इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है वो हमें कहाँ से हासिल होती है, ट्रीज से, जिसकी मदद से हम बहुत सारी यूजफुल थिंग्स मीन्स के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों को बना सकते हैं. यहाँ पे नीचे एक उन्होंने कॉन्सेप्ट चेक दिया है, उसमें उन्होंने कुछ जंबल वर्ड्स दिए हैं. यूज़ द जंबल लेटर्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स. उन्होंने कुछ जंबल लेटर्स दिए हैं जिसको हमने उस ब्लैंक में अच्छे तरीके से फिट करना है. जंबल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आगे पीछे बेतरतीब वर्ड जिन्हें कहते हैं, वो वर्ड्स हैं, और उनको तरतीब दे के हमने उसको फिलिंग द ब्लैंक्स में पुट करना है. प्लांट्स आर डैश थिंग्स, प्लांट्स आर डैश थिंग हमने पहले ही पढ़ा है. प्लांट्स कौन सी चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स. तो ये लिविंग के स्पेलिंग उन्होंने आगे पीछे किए हैं, लिविंग के स्पेलिंग लिखेंगे LIVING, लिविंग. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. सम नंबर 2 है, प्लांट्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स एंड डैश. तो प्लांट्स बहुत किस्मों के जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं और डिफरेंट साइज के होते हैं. आप लिखेंगे SIZE, साइज. ये देखें, यहाँ पे हमने लिख दिया लिविंग एंड साइजेस. तो अब नेक्स्ट हम स्टेटमेंट पे जाते हैं, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, हम यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स सी, ये एक टोमेटो प्लांट है. उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है टोमेटो प्लांट, सबसे नीचे देखें तो यहाँ पे है टोमेटो प्लांट. और टोमेटो प्लांट्स के उन्होंने कितने पार्ट्स हमें बताए हैं, हम इसके अंदर उसको देखते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास सबसे नीचे होती हैं, ज़मीन के नीचे होती हैं, वो इसकी जड़ें होती हैं जिनको हम रूट्स कहते हैं. फिर उनका एक ऊपर आती हैं उनकी स्टेम, ये इसकी स्टेम होती है. जो इसके पत्ते होते हैं उनको हम लीव कहते हैं, और जो इनकी फल लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्रूट. सेम इसी तरह अगर एप्पल ट्री की बात करें, एप्पल ट्री में भी सबसे नीचे रूट्स, फिर उसके ट्रंक, फिर उसकी ये शाखें ब्रांचेस, फिर उसके फ्रूट्स, फिर उसके फ्लावर्स और फिर उसके लीव्स. ये तमाम चीज़ें प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं. प्लांट्स भी डिफरेंट पार्ट पे मुश्तमिल होता है. सो स्टूडेंट्स, आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपने इस पूरे दो पेज नंबर 28 और 29 को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, अच्छे तरीके से समझना है और देखना है, गौर करना है, और ये जो आपका चेक कॉन्सेप्ट है उसको आपने कंप्लीट करना है. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.